हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम जा रहे हैं नया वीडियो बनाने और लिए हैं हमने कच्चा आम जो अभी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जा रही है और इसको हम आज मीठा अचार बनाएंगे। तो उसके लिए हम आम ले लिए हैं, मतलब 1 केजी आम है, इसका हम मीठा अचार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पहले हम छील लेंगे ऐसे करके। देखिए कितना आसानी से हमने छील ली है और पानी में इसको डाल रहे हैं हम थोड़ा देर के लिए। उसके बाद हम इसको पीस में काटेंगे, छोटा छोटा पीस में, और थोड़ा सा धूप में देंगे। उसके बाद हम इसको चीनी और हल्दी को मिक्स करेंगे, नमक देके आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, तब हम मीठा अचार इसको बनाएंगे। ये हम इसको अच्छे से इसका पीस बनाएंगे। इसमें बीज जो है इसको हम आराम से इसको निकाल लेंगे ऐसे करके। और इसको हम छोटा छोटा पीस कर लेंगे, एक आम में 8 पीस होगा। आसानी से कट जा रहा है अभी। देखिए कितना अच्छा से छोटा छोटा हमने पीस कर ली है, एक आम में 8 पीस हुआ है। और इसको हम थोड़ा सा धूप में रखेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि इसको पानी में हमने डाले थे। देखिए कितना अच्छा से इसका नमी सब जो चला गया, धूप में रखे थे, अच्छा से सूख चुका है। और इसमें अब हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी, नमक 2 चम्मच, और 1 केजी आम में 1/2 केजी चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छा से मिल जाए, और हल्दी नमक चीनी। उसके बाद हम इसको रख देंगे डेढ़ घंटा 2 घंटा तक, ताकि पानी इसमें चीनी के पानी नमक के साथ छोड़ना शुरू कर दे। उसके बाद हम इसको धीमी आंच पर बनाएंगे। देखिए जो हमने मीठा अचार के लिए आम धूप में दिए थे, उसके बाद चीनी और नमक हल्दी मिक्स के रखे थे, तो देखिए कितना अच्छा से नमक और चीनी इसमें गल चुका है, अच्छा तरह से पाक जैसा हो गया है। अब इसको हम आंच पर रखेंगे, 2 घंटा पहले इसको हम सब मिक्स करके रखे थे, अब कम आंच पर एकदम इसको हम रखेंगे। देखिए कितना अच्छा से हल्का आंच पर उबल रहा है। और इसमें अब हम इसमें तेल नहीं पड़ता है, इसमें खासियत है मीठा अचार में तेल, एक बूंद भी तेल नहीं पड़ता है। आप कुछ भी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ भी बहुत टेस्टी होता है। और देखिए ये जो पचफोरन है उसको हम इसमें डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर उसको भी हम डाल देंगे। तो अच्छा से हम मिक्स कर देंगे, मीठा तीखा हो जाता है, थोड़ा सा चटपटा और टेस्टी होता है। एकदम कम आंच पर इसको हम 1/2 घंटा तक और पकाएंगे ताकि अच्छा से पाक इसका बन चुके। अभी पाक बनना शुरू हुआ है,
देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छा से उबल रहा है। अब 10 मिनट के अंदर मेरा अचार बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए पाक भी इसका गाढ़ा हो चुका है, बिना तेल का अचार है ये देखिए। और 10 मिनट और हम मध्यम आंच पर इसको रखेंगे। उसके बाद मेरा अचार बन के मीठा अचार रेडी हो जाएगा देखिए। देखिए मेरा बन के रेडी हो चुका, पूरा पैन जैसा ऊपर में आ गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे। और मेरा आम भी अच्छा से सीज चुका है, पक गया है। और देखिए अगर हमारे चैनल पर नया है तो नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप भी बनाइए और खाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।